सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंग चैनल यूट्यूब वीडियोस पे। फ्रेंड्स, इस पे आपको हर टाइप की वीडियोस मिलेंगी, आपके स्टडी से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी मेरे पुराने वीडियो से क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा सकते हैं, वहाँ से आप मुझे फॉलो करें इसका, और वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उसका मैं रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम का अकाउंट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इग्नू ने एक अपडेट दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, जनवरी टू जून सेशन वालों के लिए। जिनने जनवरी सेशन में एडमिशन ले लिया है, वो अब अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में बताया था कि असाइनमेंट कैसे बनाएं, कौन सी फाइल बनाएं, कौन से पेजेस बनाएं, और कंप्लीट फाइल के बारे में मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं उस वीडियोस को। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं, वो कि आप फॉर्म कैसे फिल करें। आपको जाना है गूगल पे, वहां पे आपको टाइप करना है www.ignou.ac.in, इस पर सर्च करना है आपको। जैसे कि आपका एक ये ऐसा पेज खुलेगा, आपको सीधे नीचे जाना है, ये है ऑफिशियल पेज है इग्नू का, आपको नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पे लिखा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टी जून 2018 एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको इधर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी, गाइडलाइंस भी दे रखी हैं कि ये 1 मार्च को स्टार्ट हुआ है 2018, 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट लेट फी, और लेट फी में है 1 मई से 2 10th में विद लेट फी 1000 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जामिनेशन फी मोड के बारे में बता रखा है, पेमेंट पर कोर्स है आपका 120 रुपये, और पर प्रैक्टिकल 120 रुपये आपका। आपको पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के साथ भी। फ्रेंड्स, चलिए नीचे चलते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे फ्रेंड्स, आप कुछ यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड में आपको कुछ लिखे भी दिखेंगे। यहाँ पे आपको जैसे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपका बॉक्स है, आपको क्लिक करना है, आपको ये पूरा रीड कर लेना है, फिर आपको प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खुल जाएगा, ऐसा कुछ आएगा इंटरफेस, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ये। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक भी स्टेप ना मिस करें, ज़रूरी है फ्रेंड्स, वरना आपके फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो फिर पहले आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम कोड डालना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर, फिर मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करके आप मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर यहाँ पर आप सबमिट कर दें। सबमिट करने बाद फ्रेंड्स, फिर आपका सेकंड पेज ऐसा आएगा, यहाँ पे आपका कोड, प्रोग्राम कोड लिखा रहेगा, एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, आपका मोड ऑफ पेमेंट लिखा रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का कोड यहाँ पे डालना आपको। और आप इसको क्लिक करेंगे, ये जो आपका ये क्लिक हियर टू सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप उसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक PDF आ जाएगा पूरा, उसमें सेंटर लिखा रहेगा आपका, जैसे कि आपको ये आपका पूरा PDF आ जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा सेंटर लिखा रहेगा, दिखाता हूँ फ्रेंड, इसमें आपका पूरा सेंटर है, जो भी आपका पास में सेंटर पड़ेगा आपका, इसमें सारा सेंटर दे रखा है, इसमें जो भी आपके घर के पास एग्ज़ाम सेंटर आप इसमें चूज़ करें, उसमें जाके फिल कर दें, इसमें से कोड सेलेक्ट करके आपके जो घर के पास जो भी सेंटर है, स्टडी सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर सॉरी, इसमें से आप कोड लेके वहाँ पे आप फिल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कोड आप डालेंगे उस PDF में से जो आपके नियरेस्ट आपके एग्ज़ाम सेंटर हो, आप बस उसी PDF में से सेंटर डालें, कोई भी आउटर, कोई भी कुछ ना डालें, बस उसी में से सेलेक्ट करके डालें। फिर से फ्रेंड्स, इसके बाद फिर आपको थर्ड पेज आ जाएगा, उसके नीचे जा जाएगा, उसके नीचे आपको ये डालने के लिए बोलेंगे, ये कोर्स कोड अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फिल इन द अर्लियर टी, यहाँ पर आप
अपना सब्जेक्ट डालना है यहाँ पे फ्रेंड्स इससे। और इसके पहले आप ये देखिए, आपको ये भी नोटिस करना है कि यहाँ पे आपका ये सब कुछ एड्रेस सही से भरा हो, और ये वही इससे पहला वाला पेज है, आपको यहाँ पे एड्रेस सही से हो, सब कुछ यहाँ पे पहले से ही होगा। आपको बस चेक करना है सिटी आपका सही हो, स्टेट, पिन सब सही हो, एंड नंबर आपका सही हो। आपको बस यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा जब फॉर्म भरेंगे, ये आपको खुद भरना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ और जनरल ये सब, ये कोर्स ये सब आप मोबाइल नंबर अगर आपने नहीं डाला तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो फिर इसके नीचे नीचे चलेंगे पेज के तो आपका ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, कितने आप जैसे चार सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब चूज़ कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा जैसे सब्जेक्ट चूज़ करके ऐसा, फिर यहाँ पे आपका नीचे असाइनमेंट के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो आप यस कर दीजिए, यस करके आप सबमिट कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है अभी तो अभी आप इस फॉर्म को फिल ना करें, वरना फिर एरर आ जाएगा। देखिए अगर मैं नो करूँगा असाइनमेंट पे, नो करता हूँ तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाता है इंटरफेस नो करने पे। तो आप पहले असाइनमेंट को फिल करें, सॉरी असाइनमेंट को पहले आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा करें, तब ये यहाँ पे अपना फॉर्म भरे। अगर आपने अपना असाइनमेंट जमा कर दिया, अगर नेट पे अपडेट नहीं हुआ तो फिर आप यस करके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, यस करके आप कोई नहीं फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब सबमिट कर देंगे इसे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपका, यहाँ पे कैंडिडेट नेम एड्रेस, कैंडिडेट नेम यहाँ पे लिखा है, एड्रेस लिखा है, आपका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, पिन सब लिखा है, आपको ये चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब कुछ चेक कर लेना है, सही से चेक करना है, फिर ये बाद में चेंज नहीं होता है फ्रेंड। फिर आपको पेमेंट मोड पे जाना है, यहाँ पे आपको पेमेंट आप पे कर सकते हैं HDFC बैंक से, पे विद IDBI बैंक से भी पे कर सकते हैं। जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ये आ जाएगा फेस। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एंड्रॉइड नंबर सब अपने आप लिखा रहेगा, आपका अमाउंट 480 रुपीज़ प्लस एप्लीकेशन बैंक चार्ज। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, बहुत इजी है ये। जब मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पे, फिर सब कुछ आपका यहाँ पे जैसे आपका अमाउंट लिखा रहेगा, आपका ऑर्डर नंबर लिखा रहेगा, फिर आपको इसमें चूज़ करना है। पहले पे विद पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये खुला हुआ आ जाएगा, HDFC से आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, HDFC से आपको डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, इनसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब जैसे आप HDFC बैंक से क्लिक करेंगे क्रेडिट कार्ड तो आपका ये आ जाएगा, अब आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, नेम डालना है, मंथ ईयर डालना है आपका, फिर CVC नंबर डालना है, फिर ये एंटर कोड डालना है, ये वाला कोड, फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप नेट बैंकिंग से भी करेंगे, नेट बैंकिंग क्लिक करेंगे तो आपका सीधा ये खुला जाएगा, सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट बैंक आपका, आप सेलेक्ट बैंक भी कर सकते हैं, आप बैंक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं नेट बैंकिंग में कि कौन सा आपका इनमें बैंक है, आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसी फॉर्म को फिल करें, अच्छे से फिल करें, अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को शेयर करें, किसी के लिए हेल्पफुल से शेयर करें, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।